Hey guys, this is me मृण माकर माकर and you are watching your all new YouTube channel The Untold Mac. So guys, आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी टॉपिक जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. हाँ जी, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे अपने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है बट उसे पता नहीं है कि उसके इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, अगर तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा कोर्स तुम्हें सेलेक्ट करना चाहिए जिससे तुम्हारा करियर बहुत आगे जाके अच्छा बन जाए, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जो तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ को ग्रेजुएट होने के बाद तुम मतलब ऐसे खुश से रहो, उस चीज़ को लेकर लाइफ में सेटिस्फाई से रहो, बेस्ट सब्जेक्ट क्या हो सकती है तुम्हारे लिए. जी हाँ, मैं तुमसे बात करने वाला हूं हाउ टू फाइंड कोर्स, हाउ टू चूज सब्जेक्ट, हाउ टू चूज मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी, हाउ टू चूज ग्रेट पाथ ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ अगर इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेट पर्टिकुलर इंटरेस्ट. क्योंकि कुछ लोग के तो इंटरेस्ट होते हैं, कुछ बच्चों के वो डायरेक्ट लेके उसे पकड़ के निकल जाते हैं, बट बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया मुझे खुद डीएम करते हैं, भैया मुझे बताओ मुझे पता नहीं है, कभी मन करता है कि मैं ये बन जाऊँ, कभी मन करता है वो बन जाऊँ, बट हर दिन मेरी इंटरेस्ट चेंज होती है तो मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, ये निकालना है वो निकालना है बट समझ नहीं आता है, कुछ टिप्स दो. तो मैं तुम्हें इस वीडियो में दो ऐसे टिप दूंगा जिससे तुम्हारी जो चूजिंग होगी ना करियर की वो काफी इजी हो जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें अपनी कॉलेज किस बेसिस पे चुननी है, करियर किस बेसिस पे बनाना चाहे, तुम स्कूल से निकल रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट से निकल रहे हो या अंडर ग्रेजुएट से निकल रहे हो, नो मैटर व्हाट ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तुम्हें मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी करियर ढूंढने में. तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आई लव यू गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो गाइस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है. इस वीडियो में मैं तुम्हें केवल दो ऐसे टिप देने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है, तुम्हें डिसाइड करने में पक्का पक्का हेल्प कर देगी ये दो ऐसे टिप कि तुम्हें कौन सी कोर्स या सब्जेक्ट लेनी चाहिए अपने लाइफ में इफ यू डोंट हैव पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हें पता नहीं है लाइफ में क्या करें फिर भी तुम बेस्ट सब्जेक्ट उठा जाओगे. अब सुनो कैसे. सबसे पहली एक बात आती है कि अगर तुम्हारे पास एक इंटरेस्ट अगर होती है, किसी इंसान होती है जो ए नाम का इंसान है, अगर उस बंदे या बंदी के पास कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, उसे बचपन से कुछ बनने का ऐसा सपना रहा हो ना, तो वो उस चीज को पकड़ के उस रास्ते में बढ़ के वो सक्सेस ले ही लेगा लाइफ में. बट मेजर इंडिया में ऐसे लोग होते हैं, मेजर इंडिया में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता अर्ली स्टेज में कि कौन सी लाइफ, कौन सी करियर, कौन सी सब्जेक्ट्स उन्हें बेस्ट रास्ता बताएगी उनके लाइफ के लिए. तो ऐसे सिचुएशन में वो खोजना स्टार्ट करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं ऐसे वैसे, बट तुम्हारा भाई बैठा है ना. देखो, सबसे पहली बात, हमेशा अगर तुम्हारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर तुम्हारा मन काफी मचलता है, काफी चंचल सा है, तुम्हें कभी कुछ मन करता है कुछ, तो हमेशा एक ऐसी सब्जेक्ट उठाओ जिसमें फ्यूचर में काफी पैसा है. हाँ जी, अब सुनो क्या बोलने जा रहा हूं, क्यों बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. देखो, सबसे पहली मेरी टिप होने वाली है कि ऑलवेज चूज दो सब्जेक्ट जिसमें लाइफ में आगे जाके तुम बहुत पैसे कमा सकते हो. इसका रीजन क्या है, क्यों है, अभी बताता हूं. देखो, अगर तुमने कोई ऐसी कोर्स सिलेक्ट करी है, लेट्स एग्जांपल, जो कि ठीक ठाक है, तुमने ऐसी ले लिया, तुम्हें पता नहीं था वो सब्जेक्ट तुमने उठा लिया, तो वो सब्जेक्ट तो तुमने उठा तो लिया भाई, लेकिन अब उस सब्जेक्ट से 3 साल 4 साल बाद जब तुम निकलोगे करके, क्या तुम उस सब्जेक्ट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह पाओगे एटलीस्ट? क्योंकि पहले तो तुमने ये गलती करी अपने लाइफ में कि तुम्हारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं थी. अब जब तुम्हारे पास इंटरेस्ट नहीं थी, तुम्हारे बचपन से किसी चीज में भी दिल नहीं लगती थी, तो तुमने एक ऐसी सब्जेक्ट मजे मजे में उठा लिया ऐसी ना समझ में कि हाँ भाई कर लेते हैं इसको, देखा जाएगा जो होगा आगे लाइफ में. तो वो चीज क्या है ना कि उससे जाके तुम कल को या 3-4 साल बाद कोई जॉब वॉब नहीं अगर तुम्हें मिला, मान लो कि तुम कुछ नहीं हुआ तुम्हारी लाइफ में, तो क्या मुंह दिखाओगे किसी को, क्या खुद से तुम्हें सेटिस्फेक्शन होगा? चलो घर वाले तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, चलो इट्स ओके, मॉनेटरी एस्पेक्ट के लिए घर पे कोई नहीं बोलेगा तुम्हें पैसा मत लाओ, ये मत करो, वो मत करो, बट क्या तुम खुद वो चीज करके सेटिस्फाई होगे? तो तुम उस टाइम पे ये सोचोगे 3 साल बाद कि काश लाइफ में मैं आज से 3-4 साल पहले कुछ अपनी इंटरेस्ट खोज लिया होता, कुछ ऐसा चीज कर लिया होता. अरे तुम कॉलेज के 3rd ईयर में जाके तुम पूरी तरह से डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है ना, लेकिन अगर तुम कोई ऐसा फील्ड सिलेक्ट करते हो जिसमें पैसा कमा सकते हो तुम 3 साल बाद, तो एटलीस्ट जब जेब में पैसे होगे ना, जब तुम्हारे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे ना, जब खुद के पॉकेट मनी रहेगी, खुद के पास खुद की सैलरी अर्निंग रहेगी, तो कभी भी तुम लाइफ में डिसअपॉइंट नहीं होगे, कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होगे, उस चीज का शिकार नहीं होगे, तुम्हें ये सोच के ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ एक लाइफ में बहुत बड़ी गलती करती, नहीं, तुम्हें लगेगा चलो भाई इंटरेस्ट नहीं थी, ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. बट जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं, मतलब इंडिया में कुछ लोग को पैसे से कोई मतलब नहीं होता, बट मैक्सिमम लोग को होता है और मुझे भी है पर्सनली, फ्रेंकली स्पीकिंग है, ठीक है ना. तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रोल करते हैं. जब आपके पॉकेट में पैसे होते हैं, जब आप उस चीज को करके, चलो आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने उस सब्जेक्ट को ऐसे ही मजे मजे में ले लिया और आपने उसे पैसे भी कमा लिए ना, तो कल को तुम्हें कोई दुख नहीं होने वाला है, सबसे पहली बात. तो हमेशा अपनी कोर्स को इस बेसिस पे चूज करो, अगर तुम्हारी कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इस बेसिस पे चूज करो कि वो कोर्स तुम्हें आगे जाके फ्यूचर में अंधा पैसा या अच्छी खासी अमाउंट में पैसा तो दे सके, जिससे तुम्हें रिग्रेट ना हो. नहीं तो क्या होगा ना कि अगर प्लेसमेंट नहीं होगी, जॉब नहीं लगेगी या कहीं पे काम नहीं कर पाओगे ना उस कोर्स को करके, तो क्या करोगे, LIC बेचते फिरोगे 8-10 हज़ार के? यार मैटर करते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट, कब तक तुम घर से लोगे? और आज का जमाना जो है वो पैसे के मामले में इतना आगे निकल रहा है, इतना आगे कि तुम्हें अगर लाइफ में बाहर के शहर में, दिल्ली मुंबई से शहर में खड़े रहना ना, तो तुम्हें तुम्हारे जेब में पैसे होने चाहिए. उनके बारे में सोचो जो बंदा जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 3 साल पहले इंटरेस्ट रहा होगा बचपन से, उसने वो सब्जेक्ट लेके आज वो लाखों में कमा रहा होगा कल को, वो बंदा मतलब
खुश होगा अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से, तुम क्या करोगे, डिप्रेस बैठे रहोगे? गलती से तुमने एक ऐसी सब्जेक्ट ले ली जिसमें पैसा ही नहीं है, तो तुम जेब में हाथ डालोगे तो उसमें भी डिप्रेशन, दिमाग में भी डिप्रेशन, सोच के पागल, जिंदगी खत्म, फूकते फिरोगे फिर। ओके, सो सबसे पहला बेस होना चाहिए तुम्हारे ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट चूज करने का कि जिस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पैसे है फ्यूचर में जाके। ओके, तो सबसे पहला बेस और सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारे ये रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ा टिप है कि ऑलवेज चूज दो सब्जेक्ट जिसमें फ्यूचर में पैसा है। अब बात करते हैं कि भैया दूसरा टिप क्या होने वाला है। दूसरा टिप ये होने वाला है कि किस तरीके की ऐसी कोर्स है जो तुम्हें पैसा दिला सकती है आज के जमाने। तो मेरी दूसरी नंबर वाली जो टिप होने वाली है भाई की, कौन सी ऐसी कोर्स है जो तुम्हें पैसा दिला सकती है, तो सबसे पहली ऐसी कोर्स होती है आज के जमाने में स्किल बेस्ड कोर्सेस, और दूसरे नंबर पे आती है टेक्निकल कोर्सेस, टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेस। हाँ जी, ये ऐसे कोर्सेस है कि जो तुम्हें आगे जाके बहुत पैसा दिलाने वाले। याद रखना, स्किल मतलब कला, और अगर तुम्हें किसी चीज की कला आती है ना, तो तुम कभी भी खाली पेट या खाली हाथ, खाली जेब नहीं बैठने वाले। लेट्स सपोज आप बोलोगे ऐसी कौन सी कोर्सेस है, और टेक्निकल बेस्ड कोर्सेस भी पहले बता देता हूं, टेक्निकल टेक्नोलॉजी बेस्ड, क्योंकि आगे जाके ये सारी कोर्सेस ऐसे है ना, अगर तुम कोई टेक्नोलॉजी टेक्स रिलेटेड चीजें करते हो तो आगे जमाने में, जैसे अभी का जमाना क्या ना काफी एडवांस हो गया है, और अगर तुम्हें टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है ना, तो तुम लिटरली आगे के टाइम पे तो बहुत आगे निकलने वाले हो मॉनेटरी एस्पेक्ट से भी। तो तुम्हारा ये दूसरा नंबर टिप होने वाला है कि ऑलवेज चूज दो सब्जेक्ट जो काइंड ऑफ स्किल बेस्ड हो या फिर काइंड ऑफ जो टेक्निकल चीजों से रिलेटेड हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें 3-4 साल बाद कभी रिग्रेट नहीं कराएगी। ये सारी चीजें से तुम बहुत पैसे कमा सकते हो आज के जमाने में। अब मैं तुम्हें स्किल बेस्ड या टेक्निकल बेस्ड कोर्सेज का कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे तुम्हें मोटा मोटा आइडिया हो जाए। जैसे कि तुम्हारे फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, आई एम नॉट suggesting you to do that courses, I am just giving you an example. Foreign language courses, एक नया कला सीखना, उसमें मतलब एक नई language सीखना, ये एक ऐसी talent होती है ना जिससे तुम कल को कहीं जॉब नहीं भी मिला ना, तो तुम उस टैलेंट के मदद से ना, उस स्किल के मदद से फ्रीलांसिंग कर सकते हो, क्लाइंट बेस्ड जॉब कर सकते हो। उसके बाद आती है जो टेक्निकल फील्ड्स ऐसी कोर्सेज होती है, जैसे तुम अगर तुम जैसे टेक्निकल भी होती है और मतलब स्किल भी होती है, जैसे तुम वेब डिजाइनिंग करना आता है, तुम्हें ऐप डेवलपमेंट करना आता है, तुम्हें नेटवर्क से रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग करना आता है, ये सारी टेक्निकल कोर्सेज अगर तुम ऐप डेवलपमेंट करना सीख गए ना अपने कॉलेज लाइफ में, अपने उस कोर्स के दौरान, तो तुम कुछ एक हटके कर सकते हो यार, या फिर तुम ऐसी कंपनी में जा सकते हो जो कंपनी वाला सोचेगा यार इस बंदे में स्किल बहुत है यार। तो स्किल बेस्ड वाली चीज इतनी ज्यादा काम आती है आज के जमाने में, और आने वाले जो 3-4 साल बाद होगी, जब तुम अगर आज लोगे ना, तो 3-4 साल बाद तो तुम कभी रिग्रेट नहीं करने वाले। तो हमेशा स्किल बेस्ड कोर्स या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें लो। स्किल में जैसे कि मान लो कि बहुत लोग, जैसे अगर मैं काइंड ऑफ स्किल बोलूं तो मुझे कैमरा फियर नहीं है, और मुझे लिटरली इतना कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में कुछ भी ना करूं ना, तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो है कि कैमरे के सामने बोल के कुछ भी करके अपनी जिंदगी चला सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं एक टाइम पे थिएटर आर्टिस्ट रह चुका हूं, मुझे कैमरा से बचपन से ही प्यार रहा है, तभी मैं तुम्हारे साथ आज कैमरा के सामने बोल रहा हूं, और कल को कैमरा के बाद व्यवहार भी मिलूंगा तुमसे। ओके, तो स्किल बेस्ड कोर्सेज चुनो, टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज चुनो, और वो कोर्सेज चुनो जिसमें बहुत ज्यादा पैसे है। मैंने तुम्हें सजेशन दे दिया, इट्स अप टू यू, जाओ इंटरनेट पर सर्च करो, बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि ऐसे कौन से कोर्सेज है। तो यही तुम्हारा बेस होना चाहिए तुम्हारी कोर्स चुनने का, अगर तुम्हारे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो, अगर तुम अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहते तो। 2021 का जमाना है, जब तक तुम ग्रेजुएट हो गया, जब तक तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, तब तक तो 2025 आ जाएगा, तो उस टाइम तक तो और जमाना एडवांस हो जाएगी ना, तुम्हारी टैलेंट को, तुम्हारी स्किल को कदर होगी, मतलब समझ रहे हो ना। अब तो यही सिर्फ चीज प्रमोट होती है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना है या नहीं करना है, बट अपनी बेस को यही रखना, कुछ भी करो, स्किल एंड ऑल ये सब चीजें करोगे ना, तो कभी भी खाली हाथ नहीं बैठोगे। तो आशा करता हूं कि तुम्हें पूरी तरीके से समझ आ गई होगी भाई, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पूरी जान लगा दी है समझाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट अंडर दिस वीडियो कि तुम्हारी ये ओपिनियन कैसा लगा मेरा, तुम्हें ये टिप्स कैसा लगा मेरा कि किस तरीके से अपनी कोर्स को सिलेक्ट करना है। आई लव यू गाइस, और इस चैनल पर तुम्हें इसी तरीके के कंटेंट ना मिलते रहेंगे और मचा देंगे अपन दोनों मिलके। ओके, सो बाय गाइस, आई लव यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आई लव यू गाइस।